तो ये सर 60 रुपए में से सर 50% शेयरिंग होती है, जैसे 30 आपके और 30 हमारे। अच्छा हाँ जी सर, तो उसमें से सर जो 10 रुपए होते हैं ना सर, वो एडवांस पे किया जाता है। अगर आप 250 सर रिज्यूम करवाते हो ना, तो 10 के हिसाब से सर 2500 रुपए बन रहे हैं आपके। अच्छा 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 हाँ सर, मैं देखो मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताओ। जो वीडियो आप अभी देखने वाले हो वो हमने फरवरी में शूट कर लिया था, बट कुछ रीजंस की वजह से हम उसको टाइम पर एडिट करके अपलोड नहीं कर पाए। तो जो भी वीडियो, जो भी फुटेज आप देखोगे वो हमने हमारे ऑफिस में शूट किया है, बट एट प्रेजेंट हम हमारे घर में हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हो, बाल इतने बढ़ चुके हैं कि संभल नहीं पा रहे हैं, बट कोई नहीं, आप तो अपने ही लोग हो, आपसे क्या छुपाएं। तो ये वीडियो है एक और फ्रॉड के ऊपर, और ये फ्रॉड भी डेटा एंट्री और वर्क फ्रॉम होम वाला फ्रॉड है, जिसके काफ़ी सारे मैसेजेस हमारे पास ईमेल पे और इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पर आते रहते हैं। तो इस बार हमने ऐसी ही एक फ्रॉड वेबसाइट पर अपना खुद का अकाउंट बना दिया, उन लोगों से बातें कर ली, उन लोगों से काम सीख लिया, काम करने भी लग गए, ताकि उनको ऐसा विश्वास हो कि हम उनके जाल में फंस चुके हैं। और हमारे पास सारे प्रूफ हैं, सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, ताकि हम आप सबको ये बता पाएं कि ये स्कैमर्स कैसे काम करते हैं और कैसे आप लोगों से पैसा लूटा जाता है। तो हमने कुछ दिनों पहले एक डेटा एंट्री फ्रॉड पर वीडियो बनाया था, और उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे बहुत सारी कंपनियां आपको डेटा एंट्री की जॉब के लिए ऑफ़र करती हैं, और जब आप अग्री कर देते हो तो वो आपको एक केस फाइल करने के लिए धमकाती हैं, क्योंकि आपने उनका काम 90% एक्यूरेसी से नहीं किया, या फिर गिवन टाइम फ्रेम में नहीं किया, और आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था। उसी वीडियो के कमेंट्स में रुद्रिका नाम से किसी का एक कमेंट आया था, और उस कमेंट में एक और स्कैम के बारे में बताया था। वो स्कैम बेसिकली सिमिलर है, आपको डेटा एंट्री का कुछ कुछ काम दिया जाएगा, और जिस वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं वो वेबसाइट इस बार है resumebizz.com। तो resumebizz.com ने रुद्रिका को रेज्यूमे डेटा एंट्री जॉब प्रोवाइड करी। रेज्यूमे डेटा एंट्री क्या होता है? बेसिकली ये वेबसाइट है जो ऑफ़र करती है कि आप इनकी वेबसाइट पर जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, अकाउंट के बाद आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, उस डैशबोर्ड में आपको बहुत सारे रेज्यूमेज़ की फ़ोटो दिखाई देगी। उन रेज्यूमेज़ में जो जो चीज़ें लिखी हुई है ना, वो आपको देख देख कर वैसे का वैसे उसी वेबसाइट पर अलग अलग फील्ड्स में टाइप करना है, और टाइप करने के बाद जब आप सबमिट कर दोगे तो आपका एक रेज्यूमे फिल्ड माना जाएगा, और आपको पर रेज्यूमे 60 रुपये मिलेंगे। और रुद्रिका को उन्होंने ऑफ़र किया कि आप 7 दिन में हमें 250 रेज्यूमेज़ की एंट्री करके हमारी वेबसाइट पर सबमिट कर दो, और आपको इसके बदले हम पर रेज्यूमे 60 रुपये दे देंगे, तो मतलब 15,000 रुपये दे देंगे। तो रुद्रिका ने आगे लिखा कि जैसे ही मैंने ये काम एक्सेप्ट किया, और इस काम को एक्सेप्ट करने के बाद 2-3 दिन बीते, तो मेरे पास किसी का कॉल आया। उसने कहा कि हम resumebizz से टाई अप कर चुके हैं, और resumebizz हमें उन लोगों का डिटेल्स दे देता है जो लोग अपना काम टाइम पर सबमिट नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी इतने दिन हो गए हैं और आपने कोई भी रेज्यूमे की एंट्री अभी तक फिल नहीं करी है। तो हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आपका पूरा पूरा काम, यानी 250 रेज्यूमेज़ वाला, मैं मेरी खुद की टीम से टाइप करवा दूंगा, और बदले में जितना भी पैसा resumebizz आपको देगी उसका 50% आप मुझे दे देना क्योंकि मैंने काम किया है, और 50% आप रख लेना भले ही आपने काम कुछ भी नहीं किया है। तो सुनने में बहुत अच्छा ऑफ़र लगता है, जिसको एक बार के लिए रुद्रिका ने रिजेक्ट भी कर दिया, क्योंकि रुद्रिका को ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आई। बट फिर उसने और परसुएड किया और बोला कि हमारी लेजिटिमेट कंपनी है, और हमारा काम ही ये है कि जिन जो लोग अपना खुद का काम नहीं कर पा रहे हैं, और हो सकता है बाद में उनको पेनल्टी फेस करनी पड़े या जो भी है, उसके उन लोगों के लिए हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे पास कंटेंट राइटर्स और डेटा एंट्री टाइपिस्ट की पूरी टीम है, तो आप जिस काम को करने में शायद 7 दिन से ज़्यादा लगाओगे, हम वो काम कल के कल आपको करके दे देंगे, और इसीलिए आपको हमारे साथ टाई अप करना चाहिए। तो रुद्रिका ने बोला कि ठीक है, कर लो आप काम, और जो resumebizz की वेबसाइट पर मैंने अकाउंट बनाया था जहाँ पर फाइनली डेटा एंट्री का काम करना है, उसका मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको दे देती हूँ, आप काम स्टार्ट कर दो और मुझे करके सबमिट कर दो। तो उसने बोला कि मैं आपसे 2000 रुपये एडवांस मांगता हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरी टीम को एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है। तो रुद्रिका ने बोला कि मैं एडवांस नहीं दे सकती, क्योंकि ना तो resumebizz ने मुझे कोई एडवांस दिया है, और दूसरी बात, resumebizz ने भी मुझे बोला है कि उस डेटा में 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी मुझे पैसे मिलेंगे। तो अगर मान लो आपके किए हुए काम में 80% एक्यूरेसी नहीं आई, तो resumebizz मुझे पैसे नहीं देगा, और ऐसे में अगर मैं आपको पहले से पैसे दे दूं, तो मेरा तो लॉस हो गया, क्योंकि देर इज़ नो वे टू इंश्योर कि आप कैसा काम करके सबमिट करोगे। तो उसने बोला नहीं मैम, आपको काम करवाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं कर सकते, सॉरी। तो रुद्रिका ने मना कर दिया, और रुद्रिका को समझ आ गया कि एक स्कैम है, और थैंक्स टू रुद्रिका हम ये वीडियो बना रहे हैं। और हमने सोचा कि ये स्कैम आपको बताने के साथ साथ क्यों ना हम भी इसी वेबसाइट पर जाकर एक अकाउंट बनाएं और इनसे डेटा एंट्री का काम उठाएं, और ख़ुद एक्सपीरियंस करें कि ये स्कैम होता कैसे है, और हमने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी कर ली है।
तो इससे पहले कि हम उस वेबसाइट पर जाते और अकाउंट बनाते, हमने सोचा कि कहीं ये वेबसाइट सचमुच स्कैम है या हो सकता है ओरिजिनल भी हो, मतलब किसी एक लेजिटिमेट बिजनेस को हम ज़बरदस्ती डीफेम ना कर दें, तो इसका भी प्रूफ होना चाहिए कि वो स्कैम है। तो मैंने थोड़ा सा Resumebizz की वेबसाइट खोली और कुछ चीज़ों पर गौर किया। तो जैसे ही आप Resumebizz.com पर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही लेजिटिमेट वेबसाइट है, बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखी है, और जैसे कोई नया नया स्टार्टअप होता है जिसको कल ही फंडिंग मिली है और उसने 100 लोगों की टेक टीम लगा दी हो, ऐसी वेबसाइट लग रही है। तो ऑब्वियसली आपको देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि असली वेबसाइट है, असली लोग हैं, असली कंपनी होगी, बैठे होंगे कहीं ऑफिस बनाकर। इनके इवन अबाउट अस में जाकर आप देखोगे तो अबाउट द कंपनी भी बहुत अच्छे से बता रखा है, और कुछ नंबर्स भी आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि 15,86,000 जो पेमेंट है ये इन्होंने अभी तक प्रोसेस कर दिया है अलग अलग लोगों को, और 7,12,000 रेज्यूमेज ये प्रोसेस कर चुके हैं, और इनके 4,500 सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बढ़िया। बट अगर आप थोड़ा सा डिटेल पे अटेंशन दोगे तो नीचे फुटर में एक आइकन दे रखा है जिसको बोलते हैं इंस्टाग्राम का आइकन। तो मेरा दिमाग यहाँ चला गया, मैंने कहा ओहो इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, तो मैंने इंस्टाग्राम पर क्लिक कर दिया। इंस्टाग्राम पे क्लिक करते ही वही पेज रीलोड हो जाता है, इंस्टाग्राम पर नहीं रीडायरेक्ट हुआ। इनका इंस्टाग्राम फेक हो सकता है, मेरा नहीं, फॉलो करना मत भूलना, और लेबर लॉ एडवाइजर को भी फॉलो कर लेना। बट एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि चलो ये लोग भूल गए होंगे। फिर मैं गया एलेक्सा पे इनकी रैंक चेक करने। अब एलेक्सा क्या होता है? एलेक्सा अमेज़न का टूल है जो सारी वेबसाइट्स को रैंक करता है डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रैफिक, मतलब कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं मंथली या डेली बेसिस पर, उसके हिसाब से हर वेबसाइट की रैंक निकाली जाती है। तो Resumebizz को जैसे ही मैंने एलेक्सा पर सर्च किया तो मैं शॉक्ड रह गया कि इस वेबसाइट की इंडिया में 15,500 रैंक है। मतलब आप समझ रहे हो इसका, इंडिया में 10,00,000, 20,00,000 जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसमें से 15,000वें नंबर पर ये वेबसाइट आती है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अच्छी अच्छी वेबसाइट्स इतनी अच्छी रैंक अचीव नहीं कर पाती। और इसका प्राइम कारण ये है कि ये वेबसाइट पे हर वो सारे कीवर्ड लिखे हैं जो आप लोगों की ज़रूरत है, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, एक्स्ट्रा इनकम, और जब लोग ये चीज़ें सर्च करते हैं तो इनकी वेबसाइट पॉप होती है, और बार बार जब लोग इस पे जाते हैं तो इनकी वेबसाइट की रैंक इम्प्रूव हो जाती है। और आप ये ध्यान दो कि इनकी वर्ल्ड रैंकिंग 3 महीने पहले 8.5 लाख थी और आज 3.5 लाख है। इतनी जल्दी रैंकिंग कैसे इंप्रूव हो गई? क्योंकि ये ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब्स का। और यहाँ पर रिलेटेड वेबसाइट्स में हमें 2 वेबसाइट्स और मिली, Resumework.com और ConnectingAllIndia.com। तो मैंने सोचा इन पे भी नज़र डाल लेते हैं, और वहाँ पर जाके तो मेरा दिमाग घूम ही गया, क्योंकि अभी आपको मैंने ये सेम वेबसाइट दिखाई थी Resumebizz.com की, और अभी मैं आपको फिर यही सेम वेबसाइट दिखा रहा हूँ। बट अगर आप नोटिस करोगे तो Resumebizz.com में सिर्फ लोगो अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। यानी इन दोनों वेबसाइट्स को बनाने वाला शातिर दिमाग एक ही इंसान है, और वो इतना आलसी है कि उसने वेबसाइट रीडिज़ाइन नहीं करी, सेम टू सेम वेबसाइट कॉपी पेस्ट कर दी। तो आप इस वेबसाइट में सिर्फ एक ही डिफरेंस पाओगे, इनके नाम और इनके लोगों का। इवन आप इनके अबाउट अस में जाओगे तो सेम पेज देखने को मिलेगा, आप चाहो तो स्क्रीन पर पॉज करके रीड भी कर सकते हो। जैसे Resumebizz के अबाउट द कंपनी में पहली लाइन लिखी है, वी हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ प्रोफेशनल्स विद अ मिशन टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज टू आवर क्लाइंट्स। और यही पहली लाइन आपको दूसरी वेबसाइट के अबाउट अस पेज में भी मिल जाएगी, वी हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ प्रोफेशनल्स विद अ मिशन टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज टू आवर क्लाइंट्स। और एक और वेबसाइट कनेक्टिंग ऑल इंडिया, वो भी दिखा देता हूँ आपको, वो भी सेम टू सेम है। यानी तीनों वेबसाइट का होम पेज सेम है, तीनों वेबसाइट का अबाउट अस पेज सेम है, FAQs सेम है, और वर्क डिटेल्स में तो इन्होंने एक स्टेप आगे जाकर एक YouTube वीडियो भी एम्बेड कर रखा है, और उस YouTube वीडियो में इन्होंने पूरा पूरा ट्यूटोरियल दे रखा है, विच बाय द वे इज मेड फ्रॉम अ फ्री ऐप जिसका पैसा इन्होंने नहीं पे किया। अगर ये इतना फेमस वेबसाइट है तो इस वीडियो के पैसे ही पे कर देते, यहाँ पे वाटरमार्क आ रहा है। और जो इंसान किसी एक वेबसाइट पर जाता है तो उसको तो ये असली लग जाती है, और यहाँ पर वो जाकर अप्लाई कर देता है। तो हम गए Resumebizz.com पर, ऋषभ गए Resumebizz.com पर और अपना अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के कुछ दिनों बाद एक बंदे का कॉल आता है, क्योंकि अब उसको पता है कि इस पर्टिकुलर इंसान ने अकाउंट बना लिया है, 250 रेज्यूमेज का काम उठा लिया है, और इसने रेज्यूमेज फिल नहीं करे हैं क्योंकि वेबसाइट से वो ट्रैक तो कर ही रहा है। तो जरा सुनो कि कॉल पे क्या बात होती है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं सिंगल डेटा सर्विस से बात कर रहा हूँ। आपने ऑनलाइन वर्क किया हुआ है Resumebizz पे कॉपी पेस्ट का? सर आपकी लास्ट डेट 8 तारीख है। ओह अच्छा, फिर सर उसी की रिकॉर्डिंग कॉल की गई है। मैं जानना चाहूंगा सर, ये आपने कितने का टारगेट लिया है? जैसे कि 1 वीक का टारगेट होता है 250 से लेकर 700 का, तो आपने कितने रिज्यूम फिलअप करने का टारगेट लिया है? हाँ, मैंने इतना ही लिया है।
हाँ जी सर, 250 का ही लिया है। 250 लिया है तो अब तक आपने कितना सबमिट कराया है? यार अभी तो एक भी नहीं हुआ है अभी तो हमारा। ठीक है सर, देखिए आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल है। हमारा जो इन्वेस्टिगेटर सर्विस है ना सर, ये टाइपिंग सेंटर है। अच्छा अच्छा। जो बंदे जी सर, जो बंदे आपके पास अगर टाइम ना हो, जिस बंदे के पास टाइम नहीं है या कर नहीं पा रहे, तो वो काम पर हम आपका करके देते हैं 50% शेयरिंग के साथ। अरे क्या बात है, सही है फिर तो। देखिए जैसे कि सर रिज्यूमबिज पे आपको एक रिज्यूम के ऊपर 60 रुपए कंपनी पे करती है, राइट सर? तो ये सर 60 रुपए में से सर 50% शेयरिंग होती है, जैसे 30 आपके और 30 हमारे। अच्छा। हाँ जी सर। तो सर 30 रुपए में से सर जो हमारे होते हैं ना सर, वो 10 रुपए लेबर कॉस्ट होते हैं जो कि एडवांस होते हैं सर। तो उसमें से सर जो 10 रुपए होते हैं ना सर, वो एडवांस पे किया जाता है। 10 रुपए एडवांस पे करना है मुझे ना? हाँ जी सर, मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल के 10 रुपए? टोटल के नहीं सर, मैं एक रिज्यूम के ऊपर बताया हूँ मैं। अच्छा अच्छा। अगर आप 250 सर रिज्यूम करवाते हो ना, तो 10 के हिसाब से सर 2500 रुपए बन रहे हैं आपके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, मैं देखो मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताओ। ये 10 रुपए क्यों चार्ज किए जाते हैं सर? जो हमारी जो लेबर कॉस्ट होती है, जो फ्रीलांसर काम करते हैं ना सर, 300-400 टाइपिस्ट होते हैं सर हमारे पास। अच्छा, 24 घंटे। हाँ, 24 घंटे के अंदर अंदर सर आपका पूरा वर्क करके देती है, वो भी 70% एक्यूरेसी के साथ में। कंपनी तो 90% एक्यूरेसी मांग रही ना? नहीं नहीं सर, उनकी 80% एक्यूरेसी। हाँ, तो आप 70 से करोगे तो फिर कैसे काम करेंगे हम? नहीं सर, आपको सिर्फ चेकआउट करना होता है सर 24 घंटे के अंदर। आपको सिर्फ आप जैसे कि हम आपको 250 कराते हो ना सर, तो आपको 2.5 घंटे के अंदर अंदर ये वर्क करके दे दिया जाता है। अगर कोई गलती होती है तो सर आप हमें हमको मुझे तो 70 नहीं, फिर मुझे तो आप 90% से करो ताकि मेरे कोई दिक्कत नहीं हो। सर ये 70% एक्यूरेसी हम इसीलिए देते हैं सर क्योंकि बहुत फास्ट वर्क होता है। बाकी हम जो होता है ना सर, हमारी 90% हमारी सही जाती है, बट हम बोलने को सर 70% ही बोलते हैं फिलहाल। अरे फिर तो गलत है वो कंपनी, मेरे घर मैं कब चेक करूंगा? मेरे पास तो कंप्यूटर भी नहीं है। सर कंप्यूटर नहीं है सर, आप यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे साथ शेयर करो, बस यही करना है आपको सर। अच्छा अच्छा। सर एडवांस पेमेंट के साथ में। अच्छा अच्छा। तो सर आप इंटरेस्टेड हो तो करवाना चाहते हो सर, आप बिल्कुल कर देंगे अपने पासवर्ड सर। आप 250 करवाओगे या इससे ज्यादा? सर 250 से ज्यादा अगर आप करवाते हो ना सर, आपको छूट भी मिलती है सर इससे। अच्छा अच्छा, क्या छूट है? हाँ सर, मैं आपको रेट कार्ड में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इस नंबर व्हाट्सएप है सर आपका? व्हाट्सएप है, मैं आपको यूजर आईडी पासवर्ड व्हाट्सएप कर देता हूँ। देखिए सर, अगर आप 700 आप करवाना चाहते हो ना सर, एडवांस पेमेंट आपको 49 रुपए करना होगा। लेकिन पहले मुझे कंपनी में भी तो बोलना पड़ेगा, वो फिर मुझे 250 ही देंगे, मैंने तो 250 ही चुना हुआ था। अभी देखिए सर, अभी आपने 250 का ले रखा है ना सर। हाँ, तो आप 250 करवा लीजिए। बात नहीं, 250 में तो रेट ज्यादा लग रही ना भैया। नहीं सर, फिर हम इसमें से भी 200 रुपए हम कम कर सकते हैं सर, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर आप करो, फिर आप क्या करना है इसमें आगे? सर आपने अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिए सर। बहुत दे दिए। हाँ, तो मैं आपको अकाउंट या अकाउंट के थ्रू करना चाहोगे पेमेंट, या आप कोई ऑनलाइन वर्क जैसे पेटीएम, गूगल, क्रेडिट कार्ड? मेरे पास तो पेटीएम भी है और मेरे पास वो भी है मोबाइल, मोबाइल यूपीआई वाला। तो फिर आप पेटीएम करोगे सर? आप बोलोगे वही करेंगे। हाँ जी सर, फिर मैं आपको पेटीएम नंबर देता हूँ, आप पेटीएम नंबर करके सर स्क्रीनशॉट लेकर वो आप हमें सेंड करना होता है। तो उससे नेगोशिएट करने के बाद हमने फाइनली 2300 पे उसको अग्री करवा लिया और उसने कहा 2300 रुपए आप मेरे पास सेंड कर दो और हम आपका काम स्टार्ट कर देंगे। तो उसने बोला सेंड करने के बाद पेमेंट कॉन्फर्मेशन यानी स्क्रीनशॉट से मुझे बता देना कि आपने पैसे भेज दिए। इससे पहले कि हम फोटोशॉप करके उसको स्क्रीनशॉट भेजते, सामने से फिर से बोलता है कि मेरे पास आपका पेमेंट आ गया है, जबकि हमने कोई पेमेंट नहीं किया था। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि ये इतने सारे लोगों को लूट रहे हैं इस स्कैम के थ्रू, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से वाले मुर्गे ने पैसा दे दिया और कौन से वाले से अभी मांगना है। इनफैक्ट जिन कंपनीज का मैंने नाम लेकर बात करी है कि ये पर्टिकुलर कंपनी फेक है, उसी कंपनी ने इतने सारे लोगों को कॉन किया है और उसका प्रूफ आप कॉमेंट सेक्शन में देख सकते हो। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर भी लोग मुझे डीएम करके सेम क्वेरी पूछते हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर रहता है कि अगर आप इस स्कैम में ऑलरेडी फंस चुके हो और अगर आपने एक भी रुपया नहीं दिया है तो बस इन लोगों को आप इग्नोर कर सकते हो या फिर इनका कॉल उठाकर इनसे लंबी लंबी बात कर इन लोगों का टाइम वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इन लोगों का पूरा एक दिन बर्बाद कर दोगे तो ये उस दिन किसी और को मुर्गा नहीं बना पाएंगे और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आसानी से इनका शिकार बन जाते हैं। तो आपको इनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है, इनको बातों में उलझा के रखना है ताकि ये किसी से भी एक भी रुपया ना निकलवा पाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्कैम इतने बड़े बड़े लेवल तक पहुंच कैसे जाते हैं, तो यहाँ पर पूरी की पूरी शातिर दिमाग लोगों की टीम बैठी है। एक तो मैंने आपको बताया कि इनकी वेबसाइट पर यूट्यूब वीडियोज भी एम्बेड है,
तो YouTube पर ये वीडियोस डालते हैं वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब जिन पर बहुत सारे व्यूज आते हैं नो डाउट, और हमने खुद ने भी पार्ट टाइम जॉब्स पर दो तीन वीडियोस बनाए हैं जो कि लेजिटिमेट हैं। उन पर अगर मिलियंस में व्यूज आ सकते हैं तो इनके वीडियोस पर भी सेम कीवर्ड पर व्यूज आ सकते हैं, बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग फेक हैं। तो जब वहां से बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं तो ये अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं उनको पार्ट टाइम जॉब के सपने दिखाकर। और दूसरा रीजन है कि जब लोग गूगल पे सर्च करते हैं पार्ट टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम, एक्स्ट्रा इनकम, तो ये वेबसाइट्स कहीं ना कहीं से उनको दिख जाती है और वो क्लिक कर देते हैं। इसी वजह से इन वेबसाइट्स की अमेज़न एलेक्सा रैंकिंग बहुत हाई है। और आप ज़रा खुद सोचो कि अगर कोई इंसान आपको कॉल करके बोलता है कि मैं आधे दाम पर आपका काम कल के कल करके दे सकता हूँ, तो ये कंपनी पागल बैठी है जो आप लोगों को उस काम के डबल पैसे और एक नहीं बल्कि 7 दिन ऑफर कर रही है। इस कंपनी को डायरेक्ट उसी से बोल देना चाहिए था कि हमारे पास 250 रेज्यूमेज हैं, आप एक दिन में काम करके दे दो, हम आपको 30 रुपये देंगे। सोचो, ये भी तो पॉसिबल हो सकता था। तो अगर आप इस स्कैम में ऑलरेडी फंसे हुए हो तो इन लोगों को एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। और फ्यूचर में ना फंसो और किसी और को भी ना फंसने दो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो आप शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि कल को ये वेबसाइट्स उनसे पैसा ना लूट सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको और आप समझे होंगे कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए स्कैमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और हमें ज़रूर बताना कि और किस किस टाइप के स्कैम हो रहे हैं। हमारा अब मिशन है कि हम एक एक स्कैम को उठाएंगे और कंपनियों का नाम ले लेके बताएंगे कि ये लोग फेक हैं, इनके जाल में मत फंसना। तब तक के लिए आप देखते रहिए लेबर लॉ एडवाइज़र। मेरा नाम था मंदीप और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में हमेशा आते रहे। ओवर एंड आउट।